राजा से मिलने पर महिलाओं को होना पड़ता था निर्वस्त्र। बचपन से ही हम लोग राजा महाराजा की कहानियाँ सुनते आए हैं और हमेशा से ही हमें उनके बारे में जानने की इच्छा रहती है। कुछ राजा अपनी रियासतों के लिए जाने जाते हैं, कुछ राजा अपनी रंगरलियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक राजा थे भूपेंद्र सिंह, जिनके बारे में आप जितना जाने उतना ही ज्यादा जानने की इच्छा होगी। 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के मोती बाग में जन्मे भूपेंद्र सिंह महाराजा राजेंद्र सिंह के पुत्र थे और वर्ष 1900 में पिता की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह को राज्य संभालने को मिला। छोटी उम्र से ही राजा काफी रंगीन शौक के थे। दरअसल पटियाला रियासत के राजा भूपेंद्र सिंह अपनी रंगीन स्वभाव के चलते काफी मशहूर थे। इस रंगीन स्वभाव के किस्से आपको चौंका देंगे, क्योंकि पटियाला के महाराजा की गतिविधियों का जिक्र महाराजा भूपेंद्र सिंह दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में भी लिखा है। आपको बता दें, महल का एक स्पेशल कमरा हमेशा महाराजा के लिए रहता था और कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बने चित्र सैकड़ों तरह के प्रेम में डूबे औरत मर्द को दिखाया गया था। कमरे को हिंदुस्तानी ढंग से सजाया गया था और फर्श पर कीमती ज्वेलरात से जड़े मोटे मोटे कालीन बिछे हैं और महाराजा के भोग विशाल का पूरा सामान मौजूद है। राजा की हवस की भूख अतुल थी। जो जवानी में यौन संबंध शौक के चलते उनकी रुचि खेल के प्रति कम होती दिखाई पड़ी। गर्मियों में अपने तालाब में राजा नग्न महिलाओं के साथ अय्याशी करते और राजा अपने रखेलों को अपने पसंद के अनुसार तैयार करवाते। और दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में लिखा था, लगभग 150 से 400 पुरुष महिलाओं के साथ अय्याशी करता था। पार्टियों में उनके राज्य के अंग्रेज अधिकारी और उनकी पत्नियां और अन्य अंग्रेज और देसी महिलाएं भी भाग लेती थी। पिता महाराज राजेंद्र सिंह की मौत के बाद राज्य में शासन बने भूपेंद्र सिंह ने 38 वर्ष तक राज किया। सिंह परिवार में पैदा हुए इस शासन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10 से अधिक शादियां की थी। एक अंदाजे के अनुसार भूपेंद्र सिंह 88 बच्चों के पिता थे और भारत में एयरप्लेन खरीदना और अपने राज्य में रनवे बनवाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1935 में भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई और कहा जाता है कि राजा से हिटलर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी मेवैन कार राजा को तोहफे में दे दी। ये थी SM News रिपोर्ट।